बैक व्यूअर्स, गुड अर्ली मॉर्निंग। आपको पता है बेस्ट फाइव का सेगमेंट है और बेस्ट फाइव के सेगमेंट में फ्राइडे के दिन हमारे साथ मौजूद होती हैं फरहाना मिर्जा, तो हम इनको वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? अल्लाह का शुक्र है, ठीक ठाक बिल्कुल, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा व्यूअर्स, यहाँ पे हमें पोल का सवाल जो है वो रिपीट करती चलूँ और हमारे पोल का सवाल है, अगर किसी भी वजह से हस्बैंड और वाइफ के बीच बात नहीं बन रही भाई, तो क्या लटकाए रखें बीच में, अलहदगी पे चले जाएं, वो सालों सालों लटके रहते हैं, या डिवोर्स लेके मामला ख़त्म करें वो अपनी ज़िंदगी, आप अपनी ज़िंदगी? इसका जवाब आप लोग हमें दे रहे हैं और हम फरहाना से पूछते हैं कि फरहाना, अभी 2 महीने हो गए हमारे वेट लॉस प्रोग्राम को ना, और काफ़ी लोगों ने काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा भी इस चीज़ पे उठा रहे हैं, अब हम किस रूटीन की तरफ जाएंगे? अब ये है कि अब मैं अगर वो मुझे सही तरीके से फॉलो कर रहे हैं, डाइट को कंट्रोल करते हुए वर्कआउट डेली कर रहे हैं, तो फिर जो अब मेरा नेक्स्ट स्टेप ये होगा कि हम अपनी इंटेंसिटी को थोड़ा सा हाई करेंगे और जो रेगुलर एक्सरसाइज पे आ जाएंगे, क्योंकि अब इनकी जो बॉडी है वो अब वार्म अप हो चुकी है, ये यूज टू हो चुके हैं। इसमें तमाम जो है वो मर्द हजरात शामिल हैं और इसमें तमाम एज ग्रुप्स के लोग शामिल हैं, इसमें सीनियर सिटीजन भी। बट मैं बार बार इसी चीज़ पे एम्फसाइज करती हूँ कि आपने जब भी एक्सरसाइज करनी है, आप किसी भी एज ग्रुप से ताल्लुक़ रखते हैं, आपका कभी कोई सा भी बॉडी फ्रेम है, एज हाइट जो भी आपका है, आपने हमेशा अपने डॉक्टर से पहले कंसर्न करना है अगर आपको कोई प्रॉब्लम है, और आपने हमेशा उतनी इंटेंसिटी पर जाना है जितना कि आपकी बॉडी बर्दाश्त कर सके। आहिस्ता आहिस्ता अपनी इंटेंसिटी को बढ़ाएं, उसके बाद आपकी बॉडी यूज्ड हो जाती है, फ्लेक्सिबिलिटी आ जाती है, स्टेमिना आ जाता है, तो फिर आप जो है वो ऊपर स्टेप, एक स्टेप ऊपर चले जाएं, आप इंटेंसिटी को हाई कर दें। ओके ठीक है, तो अब हमारी इंटेंसिटी अभी तो बिल्कुल बिगिनर्स लेवल। हाँ जी, अब मैं जी, अगर ये और जो वो ही कितना टफ होगा कितने सारे लोगों के लिए। बिल्कुल, आपने देखा मैंने डिफरेंट टेक्निक्स यूज किए हैं, लेकिन वही ये था कि हम आज अपर बॉडी वर्कआउट करें डिफरेंट टेक्निक से, फिर मैंने बताया कि किस तरह से एब्डोमिनल पे हम किस तरह से डिफरेंट टेक्निक से वर्कआउट करते हैं, फिर लोअर बॉडी वर्कआउट बताया। अभी जैसे आपने इस हफ्ते मुझे देखा होगा, मैंने बेंच के साथ किस तरीके से क्रंचेस किए थे, किस तरह से पुशअप्स किए, पुशअप्स के वजह से लोग काफ़ी लोग परेशान हो जाते हैं, बहुत मुश्किल होता है। बट इसमें ये होता है कि अगर आप सपोर्ट के साथ कर लें तो बड़ा इजी हो जाता है, और इसके कई तरीके के स्टाइल्स होते हैं, टेक्निक्स होती हैं। आप पुशअप्स जो है वो फ्लोर पे भी कर सकते हैं, विच इज़ वेरी टफ, वो तो बिल्कुल हाई लेवल पर आ जाता है। आप दीवार के साथ भी कर सकते हैं, आप बेंच के साथ कर सकते हैं, चेयर के साथ कर सकते हैं, बिल्कुल किसी सपोर्ट के साथ कर सकते हैं। तो पुशअप एक्सरसाइज आप कोई सी भी लेवल पर कर सकते हैं, आपको बस सही तरह से गाइडलाइन आनी चाहिए और टेक्निक आनी चाहिए। सही। अच्छा, तो अब हम क्या फॉलो करने वाले हैं नेक्स्ट वीक में? नेक्स्ट वीक में मैंने वही बताया ना, इंटेंसिटी को हम थोड़ा सा हाई करेंगे और उसमें हम डिफरेंट टेक्निक्स यूज करेंगे, कोई ऐसी चीज अभी यूज करेंगे जैसे इसमें हम पावर एप्स को इंक्लूड कर देंगे और भी बहुत सारी चीजें हैं। एप्स को इंक्लूड कर देंगे? जी हाँ, पावर एप्स में ऐप बाजार से मिलेंगे, वो लाके लगा लेंगे और थोड़ा सा इसमें इंटेंसिटी का, मैं बार बार वही बोल रही हूँ, इंटेंसिटी थोड़ी सी जरा हाई हो जाएगी, और अगर आप में इतनी कैपेसिटी नहीं है तो जाहिर सी बात है फिर मैं आपको उसका अल्टरनेट भी बताऊंगी कि आपने इसी एक्सरसाइज को सपोर्ट के साथ किस तरह से करना है। एप्स बनाने के लिए होगी एक्सरसाइज मेनली? जी हाँ, मुझे इसकी male, काफी female, both. Both. Okay, that's इसकी nice. काफी रिक्वेस्ट आई थी मुझे एब्डोमिनल की, और दूसरी बात ये कि कुछ ऐसी एक्सरसाइजेस भी हैं जिसमें आपको सपोर्ट चाहिए होती है, तमाम उन लोगों के लिए जिनको चहल कदमी का तो शौक है बट वो कर नहीं पाते हैं, तो किस तरह से सपोर्ट के साथ उन्होंने खड़े होकर किसी सपोर्ट के साथ एक्सरसाइज करनी है। फॉर एग्जाम्पल मैं रॉड पे प्रेफर करती हूँ अगर आपका स्टूडियो या जिम वगैरह है, लेकिन अगर आपके पास घर में रॉड नहीं है तो आपने किस तरीके से चेयर का या किसी सोफे का, किसी भी चीज का या दीवार का सहारा लेके आपने किस तरह से खड़े होकर एक्सरसाइज करनी है, ठीक है, वो मैं आपको बताऊंगी। अच्छा चले, ये तो सिंपल हो गया, अभी थोड़ा सिंपल हो गया, दैट इज। अच्छा, तो ये बस इंटेंसिटी थोड़ी सी इंक्रीज्ड है और ये मेनली एप्स के लिए है, तो ऐप की एक्सरसाइज सिर्फ एप्स के लिए होगी या साइड्स पे भी आएगी? ऑफ कोर्स इसमें साइड भी शामिल है। देखो एब्डोमिनल में हमारा साइड शामिल है, हमारा बैक भी शामिल होता है, ठीक है। जब हमारा वेट वजन बढ़ता है तो हमारा ये जो चीज़ है काफ़ी हैवी और फोकस हो जाती है, आपके ऑटोमेटिकली आपके कमर में भी दर्द शुरू हो जाता है, घुटनों में दर्द शुरू हो जाता है। तो आपने ये भी नोट किया होगा जब मैं एक्सरसाइज करती हूँ तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जिसमें पूरा फुल बॉडी वर्कआउट हो जाता है, यानी अगर मैं लोअर बॉडी वर्कआउट हो रही हूँ तो उसमें ऑटोमेटिकली अपर बॉडी वर्कआउट भी इंक्लूड हो जाता है, एब्डोमिनल में ऑटोमेटिकली आ जाते हैं। तो कुछ इस तरह की भी टेक्निक्स होती हैं कि पूरा फुल बॉडी वर्कआउट हम किस तरह से करें, तो इसमें आप ये ना समझें कि मैं सिर्फ एब्डोमिनल को फोकस करूंगी, फुल बॉडी वर्कआउट होगा लेकिन डिफरेंट स्टाइल से होगा। सही, तो फुल बॉडी वर्कआउट होगा डिफरेंट स्टाइल से और बहुत थोड़ी सी इंटेंस, ठीक है जी। इसी बात पे कॉल है हमारे साथ, अटेंड करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, गुड हेल्दी मॉर्निंग, कौन बात कर रहा है? गुड मॉर्निंग जी, मैं पेशावर से बात कर रही हूँ, मलगलरा। हाँ जी जी, मैंने मलगलरा बात कर रही हूँ। मलगलरा,
क्या मुश्किल नाम है भाई खूबसूरत नाम है आपका, कहाँ से निकाला, मतलब क्या है इसका? ये पेशावर लाइक पठान है हम लोग में, तो उनका नाम है इसका मतलब क्या होता है? स्टोन्स, प्रेशियस स्टोन्स। प्रेशियस स्टोन्स। ओके अच्छा जी, पहले पोल का जवाब देंगी आप मल करेरा। आई थिंक ये डिवोर्स। यूल वोट फॉर डिवोर्स। यस आई गो फॉर डिवोर्स। सही, तो वो बीच में लटकने वाला जो प्रोसेस है वो आपको ज्यादा नहीं भाई, नहीं या तो आर या पार ना, ये क्या बीच में लटके हुए है ना हाँ जी बिल्कुल। अच्छा जी चले। मैंने क्वेश्चन करना हाँ था जी आपकी फिटनेस एक्सपर्ट से, मेरी बिल्कुल एज 19 है ठीक है। और लाइक अभी अक्टूबर में रिसेंटली 19 की हूँ, और मेरी जो हाइट है वो है 5'5" एंड 5'6" के दरमियान। माशाल्लाह लेकिन मेरा पहले वेट लाइक बचपन से ही मैं बहुत ज्यादा मोटी थी, लेकिन दरमियान में मैंने अपना वेट 89 से 73 पे लेके आई थी, बहुत ज्यादा क्रैश डाइट पे, जिसमें दिन में सिर्फ 3 कप दूध पीने होते थे बस अच्छा और कुछ नहीं। तो दैट्स सो 73 पे आ बैड, गई थी ये तो पता है, बहुत लेकिन गंदी वही डाइट है। तो वो जब मैं आई 73 पे तो मैंने एकदम से अभी दोबारा गेन किया है, 87 पे थी, अभी मैं 82 पे आई हूँ बहुत मुश्किल से। और मेरा जो मेनली मसला है ना, मेरे मफिन टॉप्स जो ये बैक के पीछे बड़े बड़े गोश लटके हुए हैं, और आगे से पेट बहुत निकला हुआ है, थाइस, हिप्स, पूरी बॉडी में बस फैट सी फैट है। और मुझे प्लीज कुछ बता दे इसके लिए, और डाइट भी, और मेरी शादी है 2 हफ्ते 2 महीने बाद, हाय अल्लाह भैया, तो आपने मुझे बड़ी टफ चाहिए कि सिचुएशन में डाल दिया हम लोगों लेकिन मुझे चाहिए कि मैं को 30 वीक में 2 kg लूज करूं, चाहे अनहेल्दी हो हेल्दी हो, क्योंकि इसी ओकेजन के लिए मुझे स्मार्ट होना है। लेकिन फिर आपको आगे कैसे मेंटेन करेंगे इतनी रैपिडली लूज करके? मिस प्लीज ना ये कुछ ना तो हो ना बता कि दे शादी के 2 महीने बाद हस्बैंड के ये बीवी नहीं लाया था मैं नहीं, मिस प्लीज आप कुछ बता दे मेरे लिए। अच्छा वो खुद कैसे हैं, मोटे ताजे वो तगड़े? बहुत ज्यादा स्मार्ट है, हद से ज्यादा, वो हड्डियों वाले नहीं होते उस तरह, हाय अल्लाह, मसला कंपटीशन बढ़ गया ये तो तो बहन इसलिए तो कह रही हूँ ना। अल्लाह चलो हम हेल्प करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है जी, ओके जी, थैंक यू थैंक यू सो वाला। मच। फरहाना एग्जाम है आपका नहीं, एक कॉमन जो है ये एक बात रोजाना मैं सुनती हूँ सुबह शाम, ये बात क्लाइंट्स कहते हैं कि फलाना फलाना जगह गए थे पर तो उन्होंने इनका कहा कि देखिए ना 5 मिनट आगे में से आपको बता रही हूँ, कंपटीशन कैसा है बहुत जबरदस्त है, बड़ा मजा आएगा अच्छा जी हाँ इसमें देखिए मेरे पास एक कल भी खातून आई थी, उन्होंने भी ये कहा था कि फलाना जगह पे 5 हफ्ते के अंदर अंदर जो वो 20 पाउंड्स गिरा देंगे, और क्रैश डाइट होती है, दिस एंड दैट, और ये वो मनी बैक गारंटी भी है, सब कुछ है। देखिए ये सब चीज़ें कहना बहुत आसान है, इसमें मैंने इनको ये कहा है कि इतना ज़्यादा चीज़ों को पीछे मत भागो, रिलैक्स, कुछ नहीं होता, आपने अपना लाइफ स्टाइल को सबसे पहले चेंज करना है, अपनी विल पावर बनाओ। एक तो आप लोगों की विल पावर बिल्कुल जीरो होती है एकदम, या तो हमारे यहाँ जोश चढ़ता है रातों रात, बिल्कुल रातों रात के जी हमने तो अगले महीने शादी है और हमने जी इतने पाउंड्स गिनाने हैं और ये हमें ये भी करना है, हमें डाइट भी करवाने, ऐसा नहीं होता। हमेशा जो है वो अपने डॉक्टर से अपनी एज के हिसाब से अपना कंसल्ट करके फिर आपने एक्सरसाइज शुरू करनी है नंबर 1, और डाइट को कंट्रोल करना है। और तीसरी बात ये कि हमेशा अपने टारगेट्स जो है वो छोटे रखो, ठीक है? मैं कम से कम टारगेट जो बोलती हूँ कि आपका 8 से 15 के दरमियान पाउंड जो है वो पर मंथ जो है वो कम होना चाहिए, ठीक सही है? एक महीने में अगर आप कहो कि 20-25 हो जाएगा तो ये करने को तो चाहे तो हो जाएगा, लेकिन आप राफिया याद रखें इसका रिजल्ट क्या होगा कि अगर आपने एक्सरसाइज छोड़ी या डाइट को फौरन आपने नॉर्मल से एबनॉर्मल कर दी, जिसको मैं एबनॉर्मल डाइट कहती हूँ, तो फिर वाकई रिजल्ट ख़राब हो जाता है, बिल्कुल ऐसा होता है। और इनको पता है, ये जो इन्होंने जो कॉल की है इनको पता है कि इनमें इंटेंसिटी है मोटापे की, ये अपने आप को कम भी कर सकती हैं, अपने आप को ज़्यादा भी कर सकती हैं, इनमें ये अच्छी चीज़ है, ये प्लस पॉइंट है, इससे इसको इनको फ़ायदा आखिर उठाना उन्होंने चाहिए। 73 पे लाई थी ना, बिल्कुल लेकिन इनमें इतना बड़ी स्टैमिना जल्दी है। राइट फॉलो करके। मैं वो अब उसी तरफ आ रही हूँ, देखो एक्सरसाइज करने के लिए आपकी डाइट बहुत अच्छी होनी चाहिए, अच्छा बैलेंस डाइट ये होगी तो एनर्जी आज आएगी हम ना। इस डाइट पे अभी बात करें ना, एक कॉल ले लेते हैं साथ साथ, हाँ फिर इनका भी बिल्कुल मसला सॉर्ट आउट करते सही। हैं जी। अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम वालेकुम, आवाज़ नहीं आ रही, कमिंग बैक टू हर मसला। हाँ जी, तो 2 महीने में उन्होंने कहा चाहे अनहेल्दी हो चाहे कुछ भी हो, देखो बस आप राफिया उनको ऐसी हमारे डाइट जिस्म बताएं। को तमाम न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत है, ये मैं बार बार बोलती हूँ, हर चीज़ आपने खानी है बट कंट्रोल में खानी है, बिल्कुल जब मैं आप में ताकत ही नहीं होगी, जब आपके पेट में कुछ है ही नहीं, तो मेरी जान आप एक्सरसाइज किस तरह से इसको करोगे, आप में इंटेंसिटी के लिए एनर्जी लेवल किस तरह से बिल्डअप होगा? तो एक्सरसाइज करने के लिए सबसे पहले एनर्जी आनी चाहिए, और दूसरी बात ये अगर आप में एनर्जी नहीं होगी तो आप पहले ही स्टेप में ज़मीन पे गिर जाओगे, ये तो चक्कर है आ जाएंगे, ये डिजी तो होगे, आप में जान ही नहीं है।
तो आपने प्रॉपर डाइट प्रॉपर लेनी है, अच्छा बेहतरीन किस्म का नाश्ता जो कि अभी मैं थोड़ी देर में आपसे डिस्कस करने वाली हूँ, उसके बाद जो है आपने जो है जब आप एक्सरसाइज करो उसका एक स्केड्यूल बनाओ, अपना टाइम टेबल बनाओ कि आज मुझे ये करना है, अपने टारगेट्स को फोकस करो कि मुझे किस पे ज़्यादा काम करना है, ठीक है। और दूसरी बात ये है कि अपना जो है एक बैलेंस लेवल पे उसको लेके चलो। क्रश क्रश डाइटिंग से क्या होता है कि बहुत ज़्यादा चेहरा मुरझा जाता है, हल्के निकल आते हैं, रंग बेरौनक, चेहरा बेरौनक सा हो जाता है। तो ये सब चीज़ें माइंड में रखते हुए सारी चीज़ों को लेते हुए आपने एक्सरसाइज करनी है। उस दिन आप पतली जरूर लग रही हो फिर, लेकिन साथ वो ऐसी लग रही हो कि वो पहचानने से इनकार कर दे कि ये तो है ही नहीं, ये तो बेरौनक शक्ल है। इनका प्लस पॉइंट ये है, इस इनको चाहिए कि इस चीज़ का फायदा उठाए। 99.9% इस तरह की लेडीज होती है जिनमें इंटेंसिटी होती है और उनको पता है कि हम लोग कम कर सकते हैं। जब उनको एक चीज़ का पता है तो उनको मेरी प्लीज यही सबसे रिक्वेस्ट है कि अपना जो है इस चीज़ को मेंटेन रखें। 2 महीने की एक्सरसाइज के बाद बिल्कुल नॉर्मल डाइट पे, एबनॉर्मल डाइट पे ना आ जाएं, या फिर ये कि डेली रूटीन पे ना आ जाएं। आपने एक्सरसाइज डेली करनी है, डेली अपने न्यूट्रिएंट्स लेने हैं, डेली प्रॉपर सही डाइट लेनी है, इन सब चीज़ों को फोकस रखेंगे तो ये लॉन्ग टर्म आपको रिजल्ट रहेगा। ठीक है जी, हमारे पास एक कॉल मौजूद है, अटेंड करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। आज मुझे किसी भी कॉल की आवाज़ नहीं आ रही। कमिंग बैक। अच्छा, तो कोई कोई मेडिकल तरीका नहीं हो सकता कि वो 2 महीने में कुछ 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 लूज कर ले? ये हम बात करते हैं कॉल के बाद। जी अस्सलाम वालेकुम। आवाज आ गई। गुड हेल्दी मॉर्निंग जी, कौन बात कर रहा है? जी रहा से अदनान बात कर रहा हूँ। अदनान साहब कैसे हैं आप? जी अल्लाह के शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ जी, क्या क्या पहले तो बोल का जवाब देंगे फिर पूछे कुछ भी पूछना है आपने। हाँ जी, मैं तो ऐसे केसेस में, मुझे अक्सर मेरे सामने ऐसे केसेस आते हैं, मैं तो मसालेहत की कोशिश करता हूँ। आपके सामने क्यों आते, लॉयर है क्या? नहीं लॉयर तो नहीं हूँ, लेकिन बस कोई ऐसी सिचुएशन दी है अपने इलाके में लोगों में फैमिली में ना। अच्छा, जब ऐसी बातें मेरे सामने आती है, मेरे सामने तो मैं उनको मसालेहत की कोशिश करता हूँ। मसाले मतलब अलहदगी? नहीं नहीं, उनको मैं कहें भाई वो किस तरह से अपने आप जो है ना जोड़ पैदा कर ले दोबारा, ठीक है, दोबारा मिल जाए। हाँ, अच्छा, तलाक ना हो, पहले तो कोशिश होती है, लेकिन आखिरी दर्जे में बहरहाल करनी ही पड़ती है फिर आपकी सूरत ना हो तो। सही, तो फिर आप उस वक्त क्या प्रेफर करेंगे, अलहदगी या तलाक? नहीं पहले तो मैं प्रेफर करता हूँ कि मसालेहत हो जाए। नहीं वो चले वो नहीं हुई, अब सिचुएशन आखिरी वक्त पे आ गई, अब क्या करें? अच्छा फिर तो देखे ना, फिर तो कोई सूरत नहीं है, अल्लाह के नजदीक अल्लाह ने खुद हुक्म दिया कि अगर ऐसी सूरत ना हो तो फिर बेहतर है कि तलाक हो जाए। सही, वो जो सालों सालों लोग अलहदगी पे बैठे रहते हैं आप उस फेवर में नहीं है। वेरी गुड जी, अब आपने कुछ पूछना है अदनान साहब? हाँ, मेरा वेट है 85 kg, तो बॉडी मास वेट निकालने का सही तरीका तो बता दें अगर हो सके तो। BMI, बॉडी मास इंडेक्स, ठीक है। अच्छा, और आपकी हाइट कितनी है? हाइट कितनी है? मेरी हाइट है 5'9". अच्छा, आपकी हाइट और वेट के अकॉर्डिंग आपका BMI निकलता है, ठीक है। एज भी शामिल है, एज फैक्टर है? जी बिल्कुल, फैक्टर की भी बात कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा, नहीं एज के ऊपर डिपेंड करता है। आपकी एज क्या है? मेरी 45+ है। 45+ है, थोड़ा सा तो मैटर करता है, मेटाबॉलिज्म हमारे बहुत चेंज होते हैं ना एज के साथ, ठीक है जी। चले हम आपको बता रहे हैं, ठीक है, थैंक यू सो मच। BMI जी देखिए, जब हम कैलोरीज की बात करते हैं तो सबसे पहली बात ये सबको पता होना चाहिए कि हमने कितना इंटेक करना है, हमारी डेली रिक्वायरमेंट क्या है, मेरा बॉडी स्ट्रक्चर क्या है। बॉडी स्ट्रक्चर का मैं थोड़ा सा आपको ये बता दूं बॉडी शेप्स के बारे में। बॉडी शेप्स कई तरह की होती हैं, एक तो बॉडी शेप है एप्पल शेप, ठीक है, और एक होता है पियर शेप, एक होता है स्ट्रॉबेरी शेप, एक होता है रेक्टेंगल शेप। स्ट्रॉबेरी भी होती है? बिल्कुल, और एक जो कि ज़्यादा आदमियों के लिए ज़्यादा मतलब अच्छी समझी जाती है, जिसे कहते हैं ना वी शेप, वो जो बॉडी बिल्डिंग करके बनाते हैं ना, बिल्कुल, जिस तरह से यू नो वो वी शेप। ओके, और एक होता है रेक्टेंगल, एक होता है आपके सारे तमाम बॉडी पार्ट जो है वो प्रोपोर्शनेट होते हैं, यानी कि हर चीज जो है वो आपकी बैलेंस होती है, विच इज द आइडियल बॉडी फ्रेम। एप्पल में आपको जैसे नाम से जाहिर है सिर्फ इसमें एब्डोमिनल के ऊपर ज्यादा फोकस होता है। पियर में क्या होता है, आपका लोअर बॉडी जो पार्ट होता है वो ज्यादा हैवी होता है। स्ट्रॉबेरी में ऊपर से यूं होते हैं और नीचे बिल्कुल हो जाते हैं। एग्जैक्टली, रेक्टेंगल में बड़े मजे की शेप है जिसमें लगभग टॉप टू बॉटम, यानी कि आप शोल्डर से लेके नीचे तक आपको एक ही फ्रेम होता है। ओके, ये भी होता है? बिल्कुल, तो ये चार तरह के, जिसमें जो पांचवी जो है वो शेप जो है वो आपको सबसे बेस्ट है कि आपका सारे जो बॉडी पार्ट्स हैं वो आपके मुनासिब होने चाहिए। नाउ BMI में ये होता है कि आपका जो है, हम एक काम करते हैं, एक ब्रेक लेते हैं, फिर हम BMI डिस्कस करते हैं, ठीक है। छोटा सा ब्रेक है व्यूअर्स, कहीं नहीं जाएगा, फिर राइट बैक।